हेलो, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, जो है फ्लो थ्रू पाइप इन सीरीज या फिर फ्लो थ्रू पाइप इन कंपाउंड पाइप्स। तो सीरीज को कंपाउंड पाइप्स भी बोल सकते हैं। और सीरीज मींस क्या होता है, एक पाइप के पीछे एक पाइप लगी हुई और दूसरी पाइप के पीछे नेक्स्ट पाइप लगी हुई है। डाया कम ज्यादा हो सकता है, मगर उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, ये है आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा लेते आता रहूंगा अलग अलग टॉपिक्स पे, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड हीट ट्रांसफर। तो आइए शुरू करते हैं, दैट इज फ्लो थ्रू पाइप इन सीरीज। तो देखते हैं, सपोज एक टैंक है, इसे ध्यान से देखिएगा। ओके, अब वो कनेक्टेड है एक पाइपलाइन से, दिस इज ओके, दिस वन ओके, आगे वो कनेक्टेड है फर्दर एक और पाइपलाइन से जिसका डाया थोड़ा छोटा है। क्लियर हो रहा है? देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसका डाया थोड़ा छोटा है और फाइनली ये डाया बड़ा हो गया है, पाइप का डाया। और फ्लूइड आपका दूसरे रिजर्वायर में पहुंच गया है। तो दो रिजर्वायर हैं, दिस इज ए रिजर्वायर एंड बी रिजर्वायर। क्लियर हो गया? दिस इज रिजर्वायर ए, दिस इज रिजर्वायर बी, और ये जो पाइप है, सपोज दिस इज पाइप वन, दिस इज पाइप टू, दिस इज पाइप थ्री। मैं ये पाइप लाइन की एक सेंट्रल लाइन बना देता हूं, उसे ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी लिक्विड जब पाइपलाइन से गुजरता है, और पाइपलाइन में भी कैसा, एक पाइपलाइन नहीं लगी हुई है, पाइपलाइन का डाया लगातार चेंज हो रहा है। पहली पाइप है वन, जिसका डाया कुछ पर्टिकुलर होगा, सपोज वन सेंटीमीटर, दूसरा 0.5 सेंटीमीटर उसका डाया हो गया, और तीसरा अचानक से थोड़ी पाइपलाइन बड़ी हो गई, अचानक से एक्सपेंशन हो गया, तो पाइपलाइन का डाया हो सकता है 3 सेंटीमीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको मालूम है कि जैसे कोई भी फ्लूइड पाइपलाइन में एंटर करता है तो उस दौरान कुछ लॉस होता है, और मेरे पिछले वीडियोस देखिएगा जिसमें मैंने बताया है कि लॉसेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक मेजर लॉस होता है, एक माइनर लॉस होता है। तो जैसे ही फ्लूइड पाइपलाइन में एंटर करता है तो सबसे पहला जो माइनर लॉस होता है, क्लियर हो गया, माइनर लॉस, दिस इज द हेड लॉस ड्यू टू एंट्री, एंट्री की वजह से जो लॉस हो रहा है। देयरफॉर आई विल राइट डाउन हियर, हेड लॉस ड्यू टू एंट्री, दिस विल बी 0.5 V, क्योंकि पाइपलाइन में एंटर हुआ, कौन सी पाइपलाइन, वन में, तो 0.5 V1² / 2G। कोई कंफ्यूजन? ओके, अब फ्लूइड एंटर होने के बाद इस पाइपलाइन वन से गुजर रहा है, धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है, तो इस गुजरने की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से फ्लूइड के पाइपलाइन के अंदर, और कौन सी पाइपलाइन, पाइपलाइन वन, तो इस दौरान कुछ लॉस होता है, वो जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड मेजर लॉस, दैट वी विल कॉल इट एज अ हेड लॉस। This is the head loss. Head क्या होता है, मेरे पिछले videos refer कीजिएगा। Head को convert किया जा सकता है pressure में, pressure को convert किया जा सकता है head में, और head क्या होता है, एक type की vertical height होती है। Clear हो गया? तो head loss due to friction, और ये जो major loss होता है ये friction की वजह हो सकता है। Friction मतलब जब पानी और आपकी wall जो stationary है, जो स्थिर है, जब पानी travel करता है और जो wall है वो तो still है, वो चल नहीं रही wall, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो पानी को चलने से रोकती है, तो उस दौरान घर्षण होता है, वो घर्षण की वजह से जो हेड में चेंज आता है, हेड लॉस हो जाता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और मैं वन लिख रहा हूं क्योंकि मैं पाइप वन की बात कर रहा हूं, तो दैट विल बी 4F1L V, और ये क्या है, लंबाई है, यहां से यहां तक की लंबाई, दिस इज द वी, क्योंकि वेलोसिटी थ्रू पाइप वन, स्क्वायर बाय 2G D1, एंड D1 इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ योर पाइप। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्लूइड पाइपलाइन वन से ट्रेवल करने के बाद अब वो पाइपलाइन टू में एंटर होने के लिए रेडी है। क्लियर हो रहा है? तो इस दौरान अब देखिए, पाइपलाइन का डाया यहां बड़ा था, यहां पर छोटा होने जा रहा है, तो मीन्स फिर यहां पर माइनर लॉस आ जाएगा, और ये माइनर लॉस क्या होगा, दिस इज द हेड लॉस। अभी मैं वापिस बोल रहा हूं कि हेड लॉस और प्रेशर लॉस में
अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हेड लॉस एक पर्टिकुलर हाइट है, और हेड लॉस की बात कर रहा हूं तो कहने का मतलब है कि अलग अलग दो पॉइंट के बीच का हेड होगा, पहला हेड ज्यादा है, दूसरा हेड कम है, समझ रहे हैं? तो हेड लॉस क्या है, सपोज पहले पॉइंट का हेड है 5 मीटर, दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे सेक्शन का जो हेड है वो 2 मीटर होगा, तो हेड लॉस का डिफरेंस, हेड लॉस मतलब हेड डिफरेंस कितना हो गया, 5 माइनस 2, हेड लॉस इज 3 मीटर, समझ रहे हैं? तो जो हेड है, हेड लॉस को कन्वर्ट किया जा सकता है प्रेशर लॉस में, और प्रेशर लॉस को कन्वर्ट किया जा सकता है हेड लॉस में, समझ रहे? तो पाइपलाइन में अभी जो फ्लूइड था, यानी कि सेक्शन पाइपलाइन वन में, और वो रेडी है पाइपलाइन टू में एंटर होने के लिए, मगर उससे पहले यहां पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखिए, बड़ी पाइप से पाइपलाइन होने जा रही है छोटी, तो उस दौरान जो लॉस होता है, और ये जो लॉस है, दिस इज अ माइनर लॉस, दिस इज व्हाट, माइनर लॉस, विल कॉल इट एज अ माइनर लॉस, तो मैं लिखूंगा दिस इज नथिंग बट अ हेड लॉस ड्यू टू कौन से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्शन, CON, कॉन्ट्रैक्शन, दिस विल बी अगेन 0.5 V2 square, और यहां पर जो वेलोसिटी होगी जिस पाइपलाइन में वो एंटर हो रहा है वही की वेलोसिटी होगी बाय 2G। कोई कंफ्यूजन? देखिए, अब हमारा फ्लूइड चल के इस पाइपलाइन में एंटर हो चुका है, अब वो एंटर होने के बाद ट्रेवल करेगा पाइपलाइन टू में। तो आपको मालूम है, जब भी कोई फ्लूइड कोई भी पाइपलाइन में ट्रेवल करता है तो उस दौरान एक मेजर लॉस होता है, दैट इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और वो कौन सी पाइपलाइन की बात कर रहे हैं अभी हम, पाइपलाइन टू। तो यहां पर आ जाएगा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, अभी फ्रिक्शन कौन सी पाइपलाइन में हो रहा है, दूसरी पाइपलाइन, सो दिस विल बी 4F2L2V2 square by 2GD, और यहां पर डायमीटर पाइपलाइन टू का है, दिस इज द वेलोसिटी इन पाइपलाइन टू, दिस इज द लेंथ ऑफ यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लंबाई है, एंड F इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जिस इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूं हेड लॉस बताने के लिए फ्रिक्शन की वजह से जो मेजर लॉस होते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डार्सी वेइसबाक इक्वेशन, दिस इज नथिंग बट डार्सी वेइसबाक इक्वेशन, मेरे पिछले वीडियो प्लीज रेफर कीजिएगा ताकि आप ज्यादा डेप्थ में इसको समझ सकें। क्लियर हो गया? ओके, अब फ्लूइड आपका ट्रेवल कर रहा है, अब इसको नेक्स्ट पाइपलाइन में एंटर कर रहा है, तो अचानक से सडन एक्सपेंशन आ रहा है, तो एक्सपेंशन इज अगेन अ माइनर लॉस, एक्सपेंशन क्या है वो भी एक माइनर लॉस है। क्लियर हो गया? तो मैं माइनर लॉस को लिखूंगा दिस इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, तो ये कैसे लिखूंगा, यहां की वेलोसिटी माइनस यहां की वेलोसिटी, अब ये पाइपलाइन टू की वेलोसिटी, देयरफॉर वी टू, यहां पर एंटर करते टाइम पे पाइपलाइन थर्ड में एंटर हो जाए तो वेलोसिटी विल बी वी थ्री, इसको स्क्वायर करेंगे अपॉन 2G कर देंगे। क्लियर हो गया? तो एक्सपेंशन के दौरान ये लॉस है, हो गया। अब फ्लूइड फाइनली आपका ट्रेवल करने वाला है पाइपलाइन थर्ड में, तो उस दौरान जो मेजर लॉस होने वाला है दैट विल बी द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइपलाइन थ्री, तो देयरफॉर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइपलाइन थ्री विल बी 4F3L3V3 square by 2GD3। कोई कंफ्यूजन? एंड फाइनली जो फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है, सपोज यहां पर वॉटर है, समझ गए आप क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जो फाइनली वॉटर है वो अब कंटेनर बी में जाने के लिए रेडी है, तो एग्जिट, अब फाइनली उसे एग्जिट होना है, तो एग्जिट होते टाइम पर भी एक लॉस होता है, दैट वे विल राइट हियर, दिस इज एग्जिट, द लॉस मींस हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट इज अगेन दिस इज वी थ्री स्क्वायर बाय 2G। तो देखिए, आपका फ्लूइड जब एक टैंक ए में रहता है, रिजर्वायर ए में, तो उस दौरान उसे इतने सारे हेड लॉसेस से गुजर के बी कंटेनर में आना पड़ता है, तो ये सारे जो हमने लिखे लॉसेस हैं, अभी देखिए ये माइनर लॉस है, ये मेजर लॉस है, ये माइनर लॉस है, ये मेजर लॉस है, ये माइनर लॉस है, ये मेजर लॉस है, और ये अगेन फाइनली माइनर लॉसेस है। तो जब फ्लूइड आपका कंटेनर ए में था तब उसकी हाइट इतनी थी, और जब फ्लूइड फाइनली लॉस करके अपने हेड में, हेड क्या होती है, एक वर्टिकल हाइट होती है, लॉस करके फाइनली इस हाइट पे पहुंच गया है, तो ये समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, उसका लेवल इतना हो गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा, एक बार वापस रिपीट करूंगा, कि एक फ्लूइड जिसका लेवल इतना था, लगातार लॉस होते हुए माइनर लॉस मेजर लॉस, माइनर लॉस मेजर लॉस, सारे लॉसेस को निकालते हुए फाइनली उसकी हाइट इतनी हो गई है। तो कहने का मतलब है कि मैं इसका हाइट डिफरेंस नहीं ढूंढ सकता हूं, ये जो हाइट डिफरेंस होगा विल कॉल इट एज
एच, और ये हाइट डिफरेंस क्या है, दो फ्लूइड लेवल, यानी कि सपोज अगर पानी है तो पानी के जो दो लेवल है अलग अलग कंटेनर ए और बी में, उनकी हाइट का डिफरेंस, ये जो हाइट का डिफरेंस होगा दैट विल बी योर एच, दोनों के यानी कि जो रिजर्वायर है उनमें जो लिक्विड है उन दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस क्या होगा, ये लॉस ही होगा डेफिनेटली, क्लियर हो गया। ये कौन कौन से लॉस है, जैसे एच एंट्री प्लस एच एफ वन प्लस एच कॉन्ट्रैक्शन देन प्लस एच एफ टू प्लस एच एक्सपेंशन प्लस एच एफ थ्री प्लस एच एग्जिट, क्लियर हो गई। ये सारे लॉसेस होते हैं, ये जो हाइट का डिफरेंस है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये जो आपकी हाइट है लिक्विड की, ठीक है, ये लिक्विड की हाइट स्टार्टिंग में थी, धीरे धीरे लॉस करते हुए, लॉस आपकी हाइट में लगातार लॉस हो रहा है, तो ये जो लॉस हो रहा है यहां से यहां तक के जो लॉस है, समझ रहे हैं, यहां से लेकर जो यहां तक का लॉस है वो यही लॉस है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो लॉस है दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन हाइट ऑफ टू लिक्विड। ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, अगर मैं सारे हेड को एड कर दूं, जो लॉस होने वाले हैं ये तो जा चुके हैं, इसी वजह से तो आपका लिक्विड इस लेवल पे आया, समझ रहे हैं। ओके, तो मैं फाइनली क्या करूंगा, अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो माइनर लॉसेस होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा 0.1, 0.001, 0.2, 0.003 इतनी थी। अगर फ्लूइड नेटवर्क यानी कि कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो फ्लूइड नेटवर्क है पानी का, सपोज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आई मीन टू से, मींस दिस इज नथिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क, मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं, एक पाइप का जाल, ठीक है, अगर उसमें अभी माइनर लॉसेस किस वजह से होते, सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, बेंड्स योर वॉल्स, योर फिटिंग्स, ठीक है, जितना फ्लूइड नेटवर्क छोटा होगा तो जो मैंने क्या बोला कि जो माइनर लॉसेस होते हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी कम रहती है, तो फ्लूइड नेटवर्क अगर छोटा होगा तो ये ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, तो इसलिए बेटर है कि हम इन्हें कैंसिल कर देंगे, एच एंट्री कैंसिल। अभी देखिए ये फ्लूइड नेटवर्क कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, तीन ही पाइपलाइन है इसमें, तो मैं एच एंट्री को कैंसिल कर दूंगा, एच कॉन्ट्रैक्शन को कैंसिल कर देता हूं, एच एक्सपेंशन को कैंसिल कर देता हूं, एच एग्जिट को कैंसिल कर देता हूं, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत कम है, 0.001, 0.003, 0.004, ठीक है, अगर इनको ऐड करूंगा तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आपका फ्लूइड नेटवर्क बहुत बड़ा है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रिड या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्लूइड नेटवर्क, तो वहां पर लगभग लैक ऑफ बेंड्स है, लैक ऑफ वॉल्स है, लैक ऑफ फिटिंग्स है, तो उस दौरान जो होने वाला लॉस है इवन अगर आप ऐड करोगे तो वो एक अच्छी खासी वैल्यू बन जाएगा, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि लगभग 10 ऐसे बेंड्स होंगे, ठीक है, तो ऐसे कितने सारे बेंड हो सकते हैं, लैक्स में हो सकते हैं, तो उस दौरान वो जो छोटी छोटी वैल्यू एड होके एक बड़ा नंबर भी दे सकती है, समझ रहे हैं क्या कहने का मतलब है, लाइक वो सबको एड करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आ सकता है, तो वहां पे अगर फ्लूइड नेटवर्क आपका बड़ा है तो यू हैव टू कंसीडर ऑल दीज माइनर लॉसेस, और मेजर लॉसेस की वैल्यू हमेशा 20, 30, 10, 5, 6, 10, 20, 40, 50 ऐसी आती है, तो वो तो कंसीडर करने ही पड़ेंगे। ये क्लियर हो गया, आई थिंक यू गॉट क्लियर। एंड फाइनली मैं क्या लिखूंगा, अगर एच लिख लेता हूं तो क्या फाइनली बाकी रहेगा, 4F1L1B1² / 2GD1, कोई कंफ्यूजन, प्लस एच एफ वन हो गया, देन एच एफ टू This is 4F2L2V2² / 2GD2 हो गया, फाइनली एक HF3 बाकी रह गया है, दिस इज 4F3L3V3² / 2GD3, ये क्लियर हो गया होगा, ये सब मैं मिटा देता हूं, फाइनली आपको समझ गया होगा आई थिंक। ओके, और मैं ये बोल रहा था आपको कि सपोज अगर हम मान लेते हैं F1 = F2 = F3, और ये जो F1, F2, F3 जो होते हैं, this is nothing but the coefficient of friction, coefficient of friction. अगर ये तीनों पाइपलाइन के लगभग सेम ही है तो मैं इसको F से डिनोट कर देता हूं, so we can write finally. अब देखिए, अब क्या क्या चीजें कॉमन निकल सकती है, F1, F2, F3 तो सब सेम ही हो गया है, तो 4F बाहर निकाल दिया है, 2G भी मैंने बाहर निकाल दिया है, therefore L1 V1 square by D1 plus L2 V2 square by D2 plus L3 V3 square by D3. So this is your head loss. ये total head loss है, या फिर इसको बोल सकते हैं दोनों
रिजर्वायर के बीच का डिफरेंस. सिंपल क्या था, मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा कि स्टार्टिंग में आपका जो मींस कोई भी लिक्विड है उसकी जो हाइट है वो इतनी थी, लगातार लॉसेस होने की वजह से आपका फाइनली ये हो गया. तो डेफिनेटली जो हाइट में जो डिफरेंस होगा दोनों लिक्विड के लेवल का, वो डेफिनेटली लॉसेस का समीशन ही होगा. क्लियर हो गया? तो आई होप मेरे को आपका मेरा वीडियो मीन्स पसंद आया होगा, और मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा लेते आता रहूंगा, और आप इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा. तो थैंक यू वेरी मच.